सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब टेक चैनल पब्लिक पोस्टमैन में। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद जो है आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी दिनों से मैं पिछले 2-3 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था चैनल पर, कुछ पर्सनल जो है रीज़न थे। तो अब जो है मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ दोस्तों बी एस एन एल, क्योंकि जब से ये प्राइवेट कंपनियों ने, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जो भी हो, इन लोगों ने अपने रिचार्ज महंगे किए हैं, उसके बाद से तो दोस्तों चारों तरफ सोशल मीडिया पर खाली BSNL ही दिखाई दे रहा है। और यही नहीं दोस्तों, जनता को तो चाहिए सस्ता, और जनता तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन साथ साथ BSNL का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, वो लोग भी इस चीज़ को लेकर के अब जो है उनके कान खड़े हो गए हैं, और वो सारे जो है इस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखे हुए हैं कि जनता तक अपनी सर्विसेज जो है कैसे पहुंचाए, और वो भी सस्ते दामों पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि जो लोग कहते हैं, जो जिस कारण से हम लोग दोस्तों BSNL को जो है छोड़ करके स्विच किए थे प्राइवेट कंपनी में, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो BSNL की सर्विस है बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बेटर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का एक्सपीरियंस अपना जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जो है अपने घर का नंबर जियो का BSNL में पोर्ट करवाया है, और उसके बाद जो है उसका एक्सपीरियंस जो है अपना पर्सनल में आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, रोहिणी की तरफ सेक्टर 16 के नियरेस्ट मैं रहता हूँ, और यहाँ का नेटवर्क का जो है आपको एक्सपीरियंस में जो है शेयर करने वाला हूँ, और मैं अपने सेकेंडरी फ़ोन में आपको दिखाऊँगा भी कि कहते हैं लोग कि अरे दिल्ली और मुंबई में तो पहले क्या होता था कि MTNL होता था, BSNL की सर्विस दिल्ली और मुंबई में नहीं थी, लेकिन जब से MTNL जो है लगभग बंद होने की कगार पे है, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ जो है इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया BSNL से कि इनकी सारी जो है नेटवर्क और सर्विसेज जो है अब वो BSNL टेक ओवर करेगा, यानी कि नाम वहाँ पे बस MTNL का ही रहेगा, जो MTNL का शो करता है डॉल्फिन के नाम से वही रहेगा, लेकिन उसकी नेटवर्क सर्विसेज और इंटरनेट जो भी चीज़ें हैं सर्विसेज पीछे बैकग्राउंड में वो BSNL जो है उसने मैनेज करेगा। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको कि जो लोग बोलते हैं कि BSNL नहीं चलता है, BSNL में नेटवर्क का इंटरनेट की इशू आएगी, वो घूमता रहेगा, चलेगा नहीं, प्ले नहीं होगा, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है BSNL का नंबर लें, उसमें पोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों इस 2024 के लास्ट तक, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा कि BSNL ने टाटा से जो है टाई अप कर लिया है, टाटा के जो एक फर्म है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने इसका जो है ज़िम्मा उठाया है कि अब इनके नेटवर्क को अपग्रेड करना है और पूरे देश में अच्छे से 4G को लॉन्च करना है, और नेक्स्ट ईयर 2025 में उसी को अपग्रेड करके वो 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपने सेकेंडरी फ़ोन के अंदर, जो कि BSNL का ही है, मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर, और उसका एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा, जो आपको लगता होगा कि नहीं नेट उसका सही नहीं चलता है, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा फ़ोन में ले जा करके, आपको नेटवर्क दिखा दूँगा कि आपको कन्फर्म हो जाए कि मेरे फ़ोन में जो है BSNL ही चल रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं सेटिंग में जाऊंगा अपने फ़ोन के, और यहाँ पर आपको जो है मैं दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो SIM1 के अंदर, देखो दोस्तों यहाँ पर BSNL का जो है मोबाइल आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, SIM1 में एक ही सिम है, BSNL यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका जो है डेटा ऑन कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाऊँगा इसका नेट का एक्सपीरियंस, कुछ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये मैंने YouTube खोला, और YouTube बड़ा स्मूथली जो है ओपन भी हो गया है, और यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ अगर मैं इसमें प्ले करना चाहता हूँ तो देखो बिना, और जबकि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर ले जा करके कि सबसे ऊपर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर इसका जो है 3G ही यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा नेटवर्क में 3G, क्योंकि अभी इसका 4G पूरे देश में अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, तो ये 3G में
मेरे एरिया में वोडाफोन का जो 4G बोलते हैं कि 4G, जबकि पोस्टपेड कनेक्शन है मेरा जो 4G उतना नहीं चलता है, उससे बेटर तो ये BSNL का 3G चल रहा है। तो यहाँ मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो देखो ये मैंने प्ले करके दिखा दिया आपको, ये आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रखी है और बिना रुके बिना जो है ब्राउज जो आप डमरू घूमने लगता है रुक रुक के चलता है, तो वो बिना इसके बिल्कुल स्मूथ चल रहा है इसका BSNL का 3G। तो आप लोग ही जज कीजिए और बताइए, कमेंट करके बताना कि जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है BSNL का। जो लोग बोलते हैं कि नहीं यार BSNL में जाना बेवकूफ़ी है, हम अब लोगों को आदत लग चुकी है 4G की स्पीड चलाने की, वीडियो कॉल की, हर चीज़ की, कि भाई फटाफट खुले फटाफट डाउनलोड होए अपलोड होए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाया, मैंने आपको लाइव प्रूफ BSNL का कि नेटवर्क एक नंबर का है, चल रहा है। बस कई बार थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि अभी इसका 4G नहीं है चारों तरफ, तो कई बार नेटवर्क इशू आ सकता है आपको, थोड़ी बहुत कभी कभार नेटवर्क जो है छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि नहीं, जो पहले वो तो आज से 5-7 साल 10 साल पहले जो होता था BSNL, वो ऐसा नहीं है। सर्विस के मामले में अब बहुत अपग्रेड हो चुका है ये भी, और इस साल के लास्ट तक और भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं BSNL की तरफ से। उनके मैनेजर, उनके जनरल मैनेजर सब ने जो है ऑफिशियली अनाउंस किया है न्यूज़ पर। और साउथ में आप देखें तो साउथ में दोस्तों पूरी एक मुहिम चल रही है कि एकदम BSNL के स्टाफ लोग, एम्प्लॉय लोग जो है अपने ड्रेस पे BSNL का वो पहन करके, वो बंडी टाइप का पहन करके पूरे मार्केट में घूम रहे हैं और पूरा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ का। तो आई होप आपको समझ में आएगा आज का वीडियो, आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, नॉलेजेबल लगी है, आपको आज का जो है मेरा BSNL का एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर में देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।